तो ठुलान थे मेरे शव ननान थे मेरे प्यार तो पेश से तमर सामन आज मुंशारी डीडी हाट भाग एक वो अपलोड कर चुका हूं मैं, मुंशारी डीडी हाट भाग दो वो भी अपलोड कर चुका हूं मैं, आशा है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से मुंशारी डीडी हाट भाग तीन। तो एक बार जोरदार थालियां। तो अभी हम जो है कल जो मुंशारी डीडी हाट भाग दो में जौलजीबी तक पहुंचे थे वहां का वर्णन सफर आपको प्रस्तुत किया। अब हम जो है जौलजीबी से निकल पड़े डीडी हाट की ओर। तो ये शानदार नज़ारा आप देखते रहें, कितना सुंदर नज़ारा है। जौलजीबी से अब हम जो है डीडी हाट की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर दूरी जौलजीबी से डीडी हाट 32 किलोमीटर, एक घंटे का सफर अभी भी करना है। रास्ता जा रहा है वो है मुंशारी मथोड़, यहाँ से 45 किलोमीटर और मुंशारी 67 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर की दूरी हम लोग जो है जौलजीबी है। हल्द्वानी है 270, पिथौरागढ़ 66 किलोमीटर, मुंशारी है यहाँ से 67 किलोमीटर। अब चलते हैं हम लोग डीडी हाट की ओर। ये पुल है गोरी नदी के ऊपर, पहले जो है पुराना पुल बहुत छोटा था और ये जो है बड़ी नदी और उधर का नज़ारा नदी में। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नदी दिख रही है यह है काली नदी, ये देखो, और काली नदी के उस पार वो नेपाल। तो नेपाल को देखो आप और काली नदी के वार भारतवर्ष और काली नदी के पार नेपाल, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। चढ़ाई काफ़ी है डीढ़ियाड जाने के लिए और यहाँ से ये सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है काली नदी का और हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल का। पूरा घना जंगल है नेपाल के बॉर्डर में काली नदी के उस पार, और भारतवर्ष में भी जो है बहुत हरा भरा काली नदी के आसपास का इलाका है। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं टूअर्स डीडी हाट। आज सुबह प्रातः काल ही हम लोग जो है 8 बजे आरंभ हो गए थे और शाम तक हम डीडी हाट पहुँच जाएंगे। अब जो है कुछ डीडी हाट की बातें कर ली जाए अबाउट डीडी हाट। तो मुझे डीडी हाट के बारे में बताने में हर्ष हो रहा है कि डीडी हाट इज अ टाउन एंड अ नगर पालिका इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इंडिया। It is one of the 11th administrative subdivision of Pithoragarh district and also serves as its administrative headquarters. With a population of 6,522, Didi Hat is located at a distance of 520 km from the state capital Dehradun. तो ये संक्षिप्त में मैंने Didi Hat के बारे में आप लोगों को बताया। Didihat was a tehsil in Almora district of United Province in 1947. When India won its independence from Britain, the Didihat tehsil along with other northeastern part of Almora district were transferred to the newly created Pithoragarh district in 1960. So, is tarah se Pithoragarh jo district bana 1960 mein bana aur Didihat tehsil Pithoragarh डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया। अब सुनते हैं बहुत सुंदर सा ये गीत। चोल तेरे नाम रोशन कले हो, तेरी चोल तेरे नाम रोशन कले हो, मेरे आमा मेरे बाबा धन करा फिकर, मेरे आमा मेरे बाबा धन करा फिकर।
चोल तेरे नाम रोशन कले हो, तेरी चोल तेरे नाम रोशन कले हो। मेरे आवा मेरे बाबा धन करा फिकर, मेरे आवा मेरे बाबा धन करा फिकर। अब हम जो है अस्कोट पहुंच गए हैं, तो अस्कोट एक ऐतिहासिक जगह है। इस जगह के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, इट वॉज सेड दैट दिस प्लेस केम टू बी नोन एज अस्कोट ड्यू टू द अस्सी कोट ऑफ द खस किंग्स इन द पास इन द ईयर 1279। आफ्टर डिफीटिंग दीज खस किंग्स, अभयपाल एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एज लखनपुर कोट। By the middle of 16th century, the descendant of Abhaipal ruled Nirvana Ascot. After the death of Rajwar Raipal in 1588, Ascot was captured by King Rudrachand of Almora. Raja Rudrachand made Ascot his feudal state by levying an annual tax of 300 rupees. In the year 1615, the then King Mahendrapal I built the palace in Ascot. In 1742, the Gurkhas invaded and subjugated the kingdom. He had raised the annual tax to rupees 2000. Ascot was given the status of principal state in the British period. There were 142 villages under its boundaries spanning about 400 square kilometers. On November 11, 1967, 20 years after independence, the government of India took over this princely state. The last king of princely state was Trigendrapal. तो ये सारी बातें मैंने आपको अस्कोट के बारे में बताया। अब हम पूछते हैं डिडिहाट जाने के लिए रास्ता, पूछते हैं ये आ रहे ओ भाई डिडिहाट के लिए रास्ता, अच्छा ऊपर की ओर, चलो भाई ऊपर की ओर गाड़ी चलाते हैं। हाँ ये जो है डिडिहाट के लिए हम जो है और खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं अस्कोट से आगे बढ़ते हुए। साइड में लगाते हैं भाई, गाड़ी आ रही है, ये धीरे धीरे हम लोग जो है अस्कोट से आगे बढ़ते हुए। अब कई भवन जो है नए आकार में बनने लग गए हैं, रोड बहुत ही सकड़ी है, सभी लैंटर्न मकान हैं, और धीरे धीरे डिडिहाट आज हमने पहुंचना है। सुंदर नज़ारा, मैं जहां पर भी जगह मिलेगा वहां मैं आपको वो दिखाऊंगा। अभी भी हम लोग अस्कोट से आगे बढ़ रहे हैं, गाड़ी रोकते हैं। थे मेरे प्यार, तो आज मैं दिन थे बताऊं 360 डिग्री में उत्तराखंड की सुंदरता। तो जैसे जैसे मैं घूम रहा हूं तो वैसे वैसे कैमरा भी घूम रहा है, और दूर का नजारा आपको जो है दिख रहा होगा 360 डिग्री में बेहतरीन। ऊपर आसमान दिखाओ, और सामने बर्फबारी हो रही है, बेहतरीन नजारा। इसी तरह से हम चेचे वचैन में कुछ न कुछ बातें सुंदरता और आपके मनपसंद सीन
नज़ारा दिखाते रहेंगे ऑन वे टू दिल्ली फ्रॉम मुनस्यारी. सो टुडे आई एम गोइंग फ्रॉम मुनस्यारी टू डीडीहाट. अब हम जो है मिर्थी पहुंच गए हैं. मिर्थी डिस्ट्रिक्ट डीडीहाट का एक छोटा सा कस्बा है. यहाँ पर आईटीबीपी का कैंप है. यहाँ का वेजिटेशन देखो, अब पूरे बांस के पेड़ दिखाई देने लग गए हैं. हाँ, यहाँ पर तो बंदर भी बहुत होते हैं. मिर्थी बस इसके बाद डीडीहाट आने वाला है. तो ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ऑन वे टू डीडीहाट. एक सुंदर सा गाना हो जाए फिर. तो अब हम डीडीहाट पहुंच गए हैं, नगर पालिका डीडीहाट. बेहतरीन दृश्य ये देखो डीडीहाट का. शाम का समय, सूर्यास्त होने को है, लेकिन देखो कितना सुंदर नज़ारा. मौसम साफ डीडीहाट में. ओहो, शाम को तो पार्टी है भाई, चलो जल्दी. चलो बच्चों, अब चलते हैं सोने के लिए. कल सुबह जाना भी है गोविंद सिंह को. तो डीडीहाट टू हल्द्वानी. हाँ भाई, भूलोगे जाए. हाँ ठीक छे ओके, बाय बाय. दरवाज़ा बंद करो. ठीक छे आप है. अब मैं दिखाता हूँ माता जी ने क्या क्या भेजा है. ये सब पठाना है. और प्रातःकालीन मौसम डीडीहाट का ये देखो कितना सुंदर. एकदम आसमान साफ, नीला आसमान डीडीहाट का. बहुत ही सुंदर दृश्य डीडीहाट का है. ये देखिए आप, सूर्य किरणें कितनी तेज आ रही है. ठीक है भाई, बाय बाय. हाँ हाँ, भूलोगे जाए. ओके, बाय बाय. ठीक छे भाई. तो इस तरह से मुनस्यारी टू डीडीहाट पार्ट 3 यहीं पर हम समाप्त करते हैं. तो यह सफ़र मुनस्यारी से डीडीहाट का मैंने 3 पार्ट में दिखाया. आशा है आप सभी लोगों को ये तीनों वीडियो बहुत पसंद आया होगा. तो की कला तिम्मेदाकार. Jai Jawa!